नमस्कार दोस्तों, गैसक्स 247 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ चुका है। कल आ गया था, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो ये एग्जाम है वो उन्हीं डेट को होगा, भ्रमित में तो येगा, और जो अपनी जो स्टडी है वो उसी टाइप से आगे कंटिन्यू रखिएगा। तो सब इंस्पेक्टर के संबंधित जो आपका एडमिट कार्ड आया है वहां से आपके बहुत सारे डाउट्स निकल के आए हैं। जैसे कि कुछ डाउट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एडमिट कार्ड कैसे निकाले, तो उसकी छोटे से बात बता दूंगा। लगभग आपने शायद निकाल लिया होगा। और सेंटर किसका कहाँ आया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि होम सेंटर यहाँ पे नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है तो बताइएगा। मेरे हिसाब से होम सेंटर यहाँ पे किसी को भी अवेलेबल नहीं हुआ होगा। उसके अलावा एक दो चीज और है कि क्या जो आप अपना जो बैग और सामान लेके जा रहे हैं वो क्या आपको रखने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका ड्रेस कोड यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या आपको ड्रेस पहन के जानी है, क्या चीजें आपको साथ में लेके जानी है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। आपके लिए सुभाष सर लेकर आए हैं सब इंस्पेक्टर की कंप्लीट तैयारी मात्र 1499 रुपए में। इसमें आपको मिलेंगे फुल वीडियोस, टेस्ट और नोट्स, वो भी घर बैठे। यह ऑफर सीमित समय के लिए रहेगा, तो आज ही डाउनलोड करिए दुनिया ऐप को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। आपके देखो तीन चरणों में एग्जाम होगा, 13, 14 और 15 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। दो दो सत्रों के अंदर होगा। एक तो आपका होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा होगा आपका 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और कहाँ कहाँ पे है देखिए, इसमें एग्जाम सेंटर के जो नाम है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे रखे हैं। अजमेर, भरतपुर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और राजसमंद और पाली, इन जिला मुख्यालयों पर यहाँ पे आपकी एग्जाम करवाए जा रहे हैं। आपका कौन सा सेंटर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी के जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से ले लेना। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर ले सकते हैं। वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, और उससे आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। या फिर आप अपनी जो SSO ID है वहां से जाके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिक सी। तो ये नोटिफिकेशन आपका कल आ गया था। आज मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपका ड्रेस कोड वगैरह, आपको क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है, वो चीजें क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर केवल निम्न सामग्री लेकर जानी है। आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप में ज्यादातर लोग वो चीजें पढ़ते नहीं हो। उनमें से क्या है, आपका ई एडमिट कार्ड है, एक तो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको लेके जाना है। उसमें आपको एक फोटो चिपकानी है, 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर की एक साइज के एक नवीनतम रंगीन फोटो उपस्थिति पत्र पर चिपका कर लाएंगे। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपको चिपका के वो फोटो लेके जानी होगी। बेसिकली जो आपने फॉर्म भरा था वही फोटो आप वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक आपको पेन लेके जाना होगा, नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू कलर का। ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए, मतलब आर पार उसके दिखना चाहिए, वैसा आपका एक नॉर्मल सा बॉल पेन आप लेके जाइएगा। क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें आपको पता है OMR शीट आपको भरनी पड़ती है, और OMR शीट जो है ना वो बहुत अच्छे से भरिएगा। अगर आपको नहीं पता कि OMR शीट कैसे भरते हैं या क्या डाउट आता है, एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड किया हुआ है, वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा आप सभी के लिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, आपकी फोटो आईडी चाहिए एक। उसके अलावा अब उस फोटो आईडी में क्या क्या आपके पास हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र यानी कि जो वोटर आईडी है, या तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी हो तो चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में जो आपका नाम और नाम वगैरह है ना, जो नाम की स्पेलिंग और जो है, वही आपके ये जो आईडी कार्ड है ना, फोटो युक्त आईडी कार्ड जो आपके आधार कार्ड है या जो भी चीज आप लेके जा रहे हो, सेम होनी चाहिए। सेम लेके जाना। अगर आधार कार्ड में मान लो आपका नाम वगैरह चेंज है, जो आपने ये जो फॉर्म भरा था उसमें जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें, और उसका जो अगर नाम अलग है, तो सेम वैसा ही कोई एक आपका फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना जिसमें नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको वहां पे बाहर किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो फोटो युक्त पहचान पत्र है ये ओरिजिनल लेके जाना, इसकी फोटोकॉपी वहां पे मान्य नहीं होगी। आगे देखिए आपको वहां पे क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी और क्या चीज ध्यान में रखनी है। एक घंटे पूर्व उपस्थित हो जाना वहां पे। अगर जो आपका एग्जाम टाइम जैसे सुबह का 10 बजे का है, तो आप लगभग 8:30-9 बजे तक वहां पे पहुंच जाना, क्योंकि जो चेकिंग वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कहीं आप लेट ना हो जाओ, उस वजह से पहले जाना ही ठीक रहता है। और सबके एग्जाम सेंटर जो है वो होम टाउन से बाहर ही आए, तो कोशिश करिएगा एक दिन पहले जाके आप वहां पे स्टे करो, रात का सफर वगैरह ये चीजें आप वहां पे ना करो। नेक्स्ट बात करते हैं कि मास्क लगाकर जाना है, ये चीज आपको बताइए, मास्क लगाकर जाना, लेके जाना। आगे देखते हैं कि परीक्षार्थी को जो परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो और आपकी जो OMR शीट होती है उसकी कार्बन कॉपी होती है, वो आपको साथ ले जाने दे दी जाएगी। ठीक है ना,
आप आराम से उसे घर लाके चेक भी कर सकते हो। उसके बाद अब आपका आता है ड्रेस कोड, दोनों का बता दूंगा, पुरुष अभ्यर्थी का और महिला अभ्यर्थी का। ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो चीज पहन के जाओ वो वहां से आपसे खुलवा ली जाए, होता है ऐसा एग्जाम सेंटर पे। हम बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी की, आदि आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट या फिर कुर्ता, यानी कि जो आप ये जो टी शर्ट शर्ट और ऊपर जो भी कुर्ता पहनते हो ये हाफ स्लीव होना चाहिए, हाफ, फुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये मैंने जो पहन रखा है ये फुल स्लीव है, आपका हाफ स्लीव होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर अंडर की बात करें तो पजामा और पैंट या पजामा कुछ भी, आप जीन्स वगैरह कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है, ये चीजें कुछ भी यहाँ पे मना नहीं होती है। लेकिन ऊपर की अगर बात करें तो शर्ट टी शर्ट और ये जो आपका कुर्ता वगैरह होता है हाफ स्लीव पहन के जाना, ठीक है। इसके अलावा देखिए शूज अलाउड नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है हवाई चप्पल या फिर स्लीपर, चप्पल वगैरह आप पहन के जाइए क्योंकि वहां पे आपसे खुलवाए जाएंगे, तो शूज सॉक्स ये सभी आपसे वहां पे खुलवा लिए जाएंगे, वो अलाउड नहीं है, तो पहन के मत जाना। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो सलवार सूट साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएगी और सुरक्षा की जांच में इसे सहयोग मिलता है। ये सभी चीजें जो इसमें ड्रेस कोड में दे रखी है सेम उसी टाइप से आप जाना। एक और चीज है वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी, अतः आपकी सुरक्षा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख या कांच की चूड़ी की कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर न आए, जेवरात आभूषण आपको कुछ भी पहनकर नहीं जाना है, कुछ भी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, जैसे ये कुछ मैंने पहन रखे तो ये वहां पे अलाउड नहीं होते हैं, आपको खोल के जाना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है एग्जाम के साथ में तो उनको आप वहां पे दे देना, अगर नहीं जा रहा है तो ये चीजें घर पे ही खोल के जाना, ठीक है, घर पे उतार के जाना। अगर कान में नाक में किसी के भी कुछ पहना हुआ है ये सब खोल देना, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मतलब बेल्ट वगैरह, घड़ी, मोजे, धूप का चश्मा, कोई हेयर पिन है, ताबीज है, कैप है, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। बेल्ट भी अलाउड नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पहले ही बता दूं, तो बेल्ट वगैरह आपसे वहां पे खुलवा ली जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान में रखनी होगी। अब एक और डाउट था आप सभी का कि क्या आप जो सामान या बैग लेकर जाते हो, क्योंकि देखिए आपके होम टाउन में सेंटर आया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आपको एग्जाम सेंटर आपके होम टाउन से बाहर ही मिला है, तो आप जहां भी जाओगे कम से कम एक छोटा बैग तो जरूर लेके जाओगे, तो आप उसको रखने की सुविधा वगैरह क्या होती है। देखिए काफी जगह तो प्रॉपर एक सुविधा होती है कि आपको वहां पे टोकन दे देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए में कोई टोकन कटा के आप वहां पे अपना बैग सेफली रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। अगर आपके पास साथ कोई जा रहा है तो वैसे भी आपको टेंशन है नहीं, उनको आप अपना सामान वगैरह पकड़ा के आप अपने एग्जाम में जा सकते हो। लेकिन कोई अगर स्टूडेंट अकेला सफर कर रहा है, अकेला कहीं एग्जाम देने जा रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है, वो सोचता जरूर है। तो उनके लिए दो बातें कहूंगा, पहली चीज कोई भी कीमती सामान अपने साथ ना ले जाए, बहुत ही जरूरी जो सामान है सिर्फ वो अपने साथ कैरी करें, जैसे कि आपके जो पैसे वगैरह है थोड़े बहुत वो ले जाए, क्योंकि आपको बाहर जाना है तो टिकट वगैरह के पैसे लगेंगे, रुकने के पैसे, खाने के पैसे, तो वो लगते हैं, वो लेके जाए। आपके साथ अगर कोई महंगा मोबाइल ना ले जाए, हो सके तो कोई छोटा मोबाइल ले जाए जो एक दिन आपका काम चला सके, तो ऐसी चीजें लेके जाए, और कोई महंगी चीज ना ले जाए साथ में, ताकि आपकी अगर बाई चांस ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए कि बैग आपका गुम हो जाए, कट जाए, मैं नहीं चाहता कैसी हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सुविधा लगभग स्कूल में मिल जाती है, और कई जगह तो ऐसा सिस्टम होता है कि आपको 10-20 रुपए में टोकन काट के आपका बैग या जो भी सामान होता है वो आप रख सकते हो, और कई जगह ऐसी सुविधा होती है सिंपल, वहां पे आप अपना बैग रख दीजिए, बस वहां पे देखभाल बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ वो होता है कि विद्यालय परिसर के अंदर ही आपसे वो सामान रखवा लिया जाता है, या हो सकता है कि विद्यालय या जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसके सामने कोई शॉप वगैरह हो तो आप वहां पे रखवा सकते हो, ठीक है, शॉप वगैरह का स्टूडेंट सब मिलके वहां पे रख सकते हो और आपको जाते टाइम वो सामान मिल जाता है। ऐसी सुविधा आपको हर एग्जाम सेंटर के आसपास देखने को मिल जाती है, या एग्जाम सेंटर के अंदर ही देखने को मिल जाती है। कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत पुराने स्कूल है, या ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं होता, तो वहां पे सिंपल आपसे एक जगह पे रखवा लिया जाता है, पैसे वगैरह नहीं लेते, वहां पे ज्यादा सेफ्टी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी सामान आपसे रखवा लिया जाता है। तो इस चीज की आप टेंशन मत लेना कि सामान कहाँ रखेंगे, सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा डीपी यहाँ पे डिस्क्राइब आपको कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पर्सनल मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट आपको दे दिए हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप पूछ सकते हो। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आराम से अच्छे से एग्जाम देना, 13 से लेकर 15 सितंबर 3 दिन आपके एग्जाम चलने वाले, आंसर की वगैरह जो भी आएगी आपके साथ जैसे ही एग्जाम पेपर हो जाएगा आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और भी कोई आपकी दिक्कत है तो पूछ सकते हो इस एग्जाम से संबंधित या और किसी एग्जाम से संबंधित। यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।